दोस्तों बिजनेस में सबसे आसान कौन सी चीज है? सबसे आसान चीज होती है सेल्स करना। यस माय डियर फ्रेंड, सेल्स एक इतना आसान प्रोसेस है कि हम उसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जितने भी मेरे कोचिंग में लोग आते हैं या मेरे कंसल्टेशन में लोग आते हैं, वो एक ही चीज, एक ही गाना गाते रहते हैं कि सेल्स करना बहुत डिफिकल्ट है। दोस्तों सेल्स करना क्यों आसान है? क्योंकि सेल्स में आपको किसी को कन्विंस नहीं करना है, आपको किसी की नीड समझनी है, उसकी जरूरत को समझना है और उसको जो चीज चाहिए उसको वो चीज आपको क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है विद द बेस्ट वे, उसकी डील अच्छे से बैठे, आपका भी फायदा हो, उसका भी फायदा हो, इस तरह से आपको उसको एक्सप्लेन करना है और उसको वो चीज देनी है। अगर वो आपसे सेटिस्फाई हो गया तो वो आपसे रीपर्चेस करेगा, वापस से आपसे खरीदेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सेल्स करना बहुत आसान है, लेकिन बहुत से लोग ये रोना रोते हैं कि मेरे धंधे में सेल्स नहीं हो रहा है, मेरा धंधा चौपट होने वाला है, मेरे धंधे में बहुत सारे चैलेंजेस हैं और मैं अपने बिजनेस में प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा हूं। क्योंकि अल्टीमेटली जो रोकड़ा एक्टिविटी होता है वो सेल के जरिए होता है। अगर आपके बिजनेस में सेल हुआ तो रोकड़ा आएगा और रोकड़ा आएगा तो बिजनेस क्या होगा, सर्वाइव करेगा। इसलिए दोस्तों मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको ये 7 गुना नहीं करने हैं जो हर एक बिजनेसमैन करता है और जिसकी वजह से उसका बिजनेस चौपट हो जाता है, उसकी सेल चौपट होती है और उसका प्रॉफिट नहीं होता, उसका ग्रोथ नहीं होता, उसका एक्सपांशन नहीं होता। बहुत से लोग दोस्तों मार्केट में जब सेल्स करने जाते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, एमएलएम लीडर्स हो या कोई भी बंदा जिसको अपने सामान को बेचना है, तो वो कुछ गलतियां करता है, कुछ गुनाह करता है जिसके वजह से एंड में रिजल्ट क्या हो जाती है, सेल में नहीं हो पाती, कन्वर्जन नहीं हो पाता। तो उसकी सबसे पहली जो गलती है, गुनाह है, वो है मेकिंग अ फ्रेंड इंस्टेड ऑफ अ सेल। यस माय डियर फ्रेंड, वो सबसे पहली गलती क्या करता है मालूम है, वो सेल्स में दोस्ती करना चाहते हैं, यानी अपने क्लाइंट्स को अपना फ्रेंड बनाता है। जब आप अपने क्लाइंट को अपना दोस्त बनाते हो तो वो भी आपसे दोस्ती का हक मांगता है, तो वो आपसे इतना डिस्काउंट मांगेगा कि वो सौदा आपके लिए अनअफोर्डेबल रहेगा। इसलिए आपको क्या करना है दोस्तों मालूम है, सिर्फ अपने सेल्स पे फोकस करना है। नो डाउट आपको आपके कस्टमर के साथ में बहुत अच्छे तरीके से पेश आना है, उनकी हर मदद करनी है, उनके डिसीजन में मदद करना है, उनको गाइड करना है, उनको इन्फॉर्म करना है, उनको एक्सप्लेन करना है, लेकिन उन्हें अपना दोस्त नहीं बनाना, ये ध्यान में रखो। तो फिर बहुत से लोग पूछते हैं सर दोस्त माल खरीदने आएगा तो उसको क्या बोले या उसको हम कैसे समझाएं? दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखिए, दोस्ती धंधे में नहीं होती है, दोस्ती धंधे के बाहर होती है। यानी बिजनेस के साथ में आप दोस्ती नहीं कर सकते हो तो आपको अपने दोस्तों को या रिलेटिव्स को यह बताना है कि मैं आपको बेहतरीन चीज दूंगा, आप प्राइस में बात मत कीजिए लेकिन मैं आपको बेहतरीन चीज दूंगा, अच्छी चीज दूंगा, क्योंकि आप मेरे दोस्त हो तो उनको क्वालिटी का एश्योरेंस दीजिए लेकिन डिस्काउंट का एश्योरेंस ना दें। इसलिए दोस्तों या तो आपका वो दोस्त होगा या रिलेटिव होगा, या नहीं है तो उनके साथ में दोस्ती वाला रिलेशन ना करें, सिर्फ अपने धंधे के बारे में बात करें, अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करें, उनको जितना हो सके उतना गाइडेंस और गाइडलाइंस हो। तो ये सबसे बड़ी गलती हर एक जो सेल्समैन है वो करता है कि वो अपने ग्राहक को अपना दोस्त बनाने की कोशिश करता है। जो दूसरी गलती करता है दोस्तों वो है टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग। जितना होता है वो अपने कस्टमर के साथ में क्या करता है, सिर्फ बात करते रहता है। दोस्तों बात करना जरूरी है लेकिन काम की बात हो, जो वो सवाल कर रहा है उसका जवाब दीजिए, उसको हेल्प कीजिए उसके डिसीजंस में। हम क्या करते हैं पता है दोस्तों मालूम है, हम उसको मेन जो गुड्स बेचना है या सर्विसेज देनी है उससे हटा के हम दुनिया भर की बातें करते हैं, हम उससे इतने अलग तरीके पे लेके जाते हैं कि उसको डिसीजन लेने में दिक्कत होती है। तो जब तक माल ना बिके, जब तक आपकी सर्विस ना बिके, आपको सिर्फ सुनना है। यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर, अच्छे तरीके से सुनो, उसके प्रॉब्लम को समझो और उसको आप डायरेक्शन देने की कोशिश करो कि आप उसके डिसीजन में क्या हेल्प कर सकते हो। यानी बोलने का मकसद ऐसा है कि आपकी सेल्स तब होगी जब आप कम बोलोगे और ज्यादा सुनोगे। हमेशा मैं कहता हूं कि हमें हमारे ईश्वर ने 2 कान दिए, यानी ज्यादा सुनो और वो भी खुले दिए हैं, और जबान दिए 1, यानी उसको कम इस्तेमाल करो, वो भी दिए हुए 1, यानी जो चीज ज्यादा है उसका इस्तेमाल ज्यादा कीजिए। टॉकिंग करने से ज्यादा है हमें उसको क्या करना है, सुनना है। जो तीसरा गुनाह करते हैं सेल्समैन या बिजनेसमैन वो ये है, सेलिंग द फीचर इंस्टेड ऑफ द बेनिफिट्स।
माय डियर फ्रेंड्स, नोबडी वांट्स अ फीचर ऑफ द प्रोडक्ट. किसी को उसकी क्या खासियत है, क्या खास बात है, वो नहीं चाहिए. मुझे इसका फायदा क्या है, व्हाट बेनिफिट्स आई गेट. फॉर एग्जांपल, अगर मैं मोबाइल खरीदने जाता हूं और मैं मुझे फोटोज खींचना अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं, तो अगर आप मुझे कैमरा के बारे में उसके फीचर्स बता रहे हो तो मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा. उसमें अगर ये बताया जाता है कि मैं गिफ्ट कर रहा हूं मेरे डैडी को, ठीक है, वो उम्र से ज्यादा है, तो यहां पे एक ओल्ड सिटीजन अलर्ट बेनिफिट है. ये बेनिफिट आप इस्तेमाल कर सकते हो, यानी इन केस अगर उन्होंने बोला हेल्प तो ऑटोमेटिक वो आपको कॉल चला जाएगा. यानी यहां पे मुझे बेनिफिट दिखा, फीचर नहीं. दोस्तों, लोग फीचर को बेचते हैं और फीचर से कोई भी उसको खरीदता नहीं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू बाई एनी मेडिकल प्रोडक्ट, अगर मुझे कोई मेडिकल प्रोडक्ट खरीदना है, कोई ऐसी चीज खरीदनी है जिसका मुझे इस्तेमाल करके क्या फायदा होगा, ये मुझे जानना बहुत जरूरी है. इसलिए आप जब भी आपके पास में कोई सामान खरीदने आता है तो उसके फीचर्स मत बेचो, क्योंकि हर प्रोडक्ट के फीचर्स लगभग सेम होते हैं. हर प्रोडक्ट जो है, चाहे बड़े ब्रांड का हो छोटे ब्रांड का, एवरीबॉडी हैव द सेम फीचर. लेकिन उसको ये बताना है कि इससे आपके फायदे क्या होंगे, इससे आपके बेनिफिट्स क्या होंगे. जब आप उसको फायदे और बेनिफिट समझाओगे तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा, वो आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा, और वो क्या करेगा, वो बार बार आपके पास आएगा. क्योंकि आप फीचर नहीं बेच रहे हो, आप बेनिफिट्स बेच रहे हो, क्योंकि लोगों को उस प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में ज्यादा जानना ज्यादा अच्छा लगता है. नेक्स्ट वन इज अज्यूमिंग. अगली गलती या गुनाह जो हम करते हैं वो अज्यूम कर लेते हैं, यानी ये हमारा ग्राहक बन गया, और हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा ग्राहक नहीं बना. हमारा अजम्पशन हमेशा धोखा देता है. दोस्तों, कभी भी सेल्स में जब तक आपके पास पैसा नहीं आता है तब तक ये ना सोचे कि सेल्स नहीं हुई है, या ये ना सोचे सेल्स हो गई है. बहुत से सेल्समैन मैंने देखा है कि वो हमेशा अज्यूम कर लेते हैं कि ये सेल्स है, इसलिए आप गिवअप कर देते हो, और गिवअप करने की वजह से क्या हो जाता है, सेल्स आपके हाथ से चली जाती है. या कभी कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है सेल्स नहीं होने वाली है और हम एक्स्ट्रा एफर्ट देते हैं, वहां पे भी हमारी सेल चली जाती है. इसलिए ये अज्यूम ना करें कि हमारी सेल्स हो गई है या हमारी सेल्स होने वाली है. हमेशा जो पेस आपने मेंटेन किया है उस पेस को मेंटेन करो, और जब तक वो ये नहीं बोलता कि यस आई वांट टू बाय दिस थिंग, तब तक ये ना सोचे कि सेल्स हुई है या नहीं हुई है. अजम्पशन से बहुत सारे सेल्समैन अपने बिजनेस में क्या हो रहे हैं, आज की तारीख में पीछे चले जा रहे हैं. तो अजम्पशन एक ऐसी बीमारी है जो सेल्समैन को बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है उनके प्रोडक्ट में लाने के लिए, उनको बेचने के लिए. नेक्स्ट, गिविंग अप टू अर्ली. यस माई डियर फ्रेंड, जब भी कोई आप किसी के पास जाते हो और आप सामान बेचने के लिए बैठते हो या उसको एक्सप्लेन करने के लिए बैठते हो, तो उसके FAQs आते हैं, उसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आते हैं, और जैसे ही कोई क्वेश्चन बोलने लग जाता है तो हमारा जो सेल्समैन है वो गिव अप कर लेता है, वो छोड़ देता है, वो हथियार डाल देता है. दोस्तों, गिव अप नहीं करना है आपको. उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विस के बारे में जितनी हो सके उतनी नॉलेज इकट्ठा करनी है. आपको गिव अप नहीं करना है, यानी वो जो जो सवाल करेगा वो उसको जवाब दीजिए. अगर सवाल नहीं उसका जवाब आपको पता है तो उसको बोलिए कि मैं इसका जवाब तुझे ढूंढ के बताऊंगा, मुझे पता नहीं है, मैं अपने सीनियर से पूछूंगा या कंपनी से पूछूंगा इसके बारे में. लेकिन कभी भी सेल्स में गिव अप ना करें. और गिव अप का मतलब ये नहीं कि उसको और एक्स्ट्रा चीजें बताएं, जो प्रोडक्ट के बारे में सच बताएं, जितना आपकी प्रोडक्ट के फीचर्स बेनिफिट्स है सब बताएं, और फिर उसके बाद में अगर आप नहीं उसका डाउट्स को सॉल्व कर पाते तो उससे वक्त मांगे, लेकिन गिव अप ना करें. बहुत से गुनेगार जो सेल्समैन होते हैं बेचारे, वो क्या कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं. मैंने बहुत सारे MLM कंपनीज में देखा कि बहुत से लोग आते हैं, कंपनी बहुत अच्छी होती है, लेकिन हम वो जो सेलिंग स्किल्स होते हैं वो सीखते नहीं है, हमारे जो डाउट्स होते हैं हम क्लियर नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से जब भी सेल्स का मौका मिलता है तो हम क्या कर देते हैं, वहां पे गिव अप कर देते हैं. And next one is not selling to the decision maker. Yes, my dear friend, हमेशा एक याद रखिए कि आपका कंज्यूमर और कस्टमर कौन है. कभी कभी कंज्यूमर और कस्टमर दोनों एक ही होते हैं, और कभी कभी कंज्यूमर अलग होता है और कस्टमर अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एजुकेशनल प्रोडक्ट बेच रहे हो स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट होगा वो कंज्यूम करने वाला होगा, कंज्यूमर होगा, और जो पेयर है उसका डैड है वो कस्टमर है. और कभी कभी क्या होता है, मैं होटल में खाना खाने के लिए गया तो मैं ही कंज्यूमर हूं, मैं ही कस्टमर हूं, यानी मैं ही उसको कंज्यूम करने वाला, मैं ही पे करने वाला हूं. तो इसलिए आपको जो अपना सामान बेचना है वो किसको बेचना है, वो बेचना है डिसीजन मेकर को. यानी आपको उसको डिसीजन लेने वाले को ही आपको क्या करना पड़ेगा, आपको
ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन डिसीजन मेकर है। दो लोग तीन लोग अगर खरीदने के लिए आए हैं, हस्बैंड वाइफ है और वाइफ डिसीजन मेकर है, तो आपको वाइफ को ही टारगेट करना है, आपको ऐसे कन्विंसिंग करना है, ऐसे एक्सप्लेन करना है कि आपका ध्यान उस डिसीजन मेकर की तरफ हो, उसके डाउट्स को सॉल्व करो, क्योंकि अल्टीमेटली ही और शी इज गोइंग टू पे। इसलिए आपको हमेशा सेल किसको करना है, आपको हमेशा सेल करना है डिसीजन मेकर को। एंड लास्ट वन इज नॉट आस्किंग फॉर द सेल। यस माय डियर फ्रेंड, जो आपका सेल्स होता है वो बहुत जरूरी होता है, हमेशा पूछिए। इसके लिए मैं हमेशा कहानी बोलता हूं। एक छोटा बच्चा रहता है, अपने बाप के साथ में जाते रहता है और हाथी पे एक महावत आते रहता है। बच्चे के हाथ में गन्ना रहता है और महावत जो होता है वो क्या होता है, उस हाथी पे बैठा होता है। तो बच्चा बोलता है कि महावत जी ये गन्ना लीजिए और हाथी दीजिए। तो महावत मुस्कुराता और आगे चला जाता है और बच्चा भी आगे जाता है। तो उसका बाप उसको पूछता है, बेटा कोई गन्ना देके हाथी लेता है क्या? तो उसने बोला, पिताजी मैंने पूछा और अगर उसने दे देता तो। इसलिए दोस्तों हमेशा मांगो, जैसे मैं आपको बोलता हूं, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक दो। मांगना बहुत जरूरी है। लोग बहुत सारी ये वीडियोस देखते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन इनके ध्यान में नहीं होता है कि यार मुझे इस वीडियो को लाइक देना है, मुझे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सब्सक्राइब करूंगा तो ऐसे वीडियोस मुझे बार बार मिलेंगे। इसलिए हम लोग भी वीडियो के बाद में कहते हैं कि इसको लाइक करो, इसको सब्सक्राइब करो। इसलिए सेल में हमेशा मांगना बहुत जरूरी है। आप मांगो आपको मिलेगा, जितना आप मांगोगे उतना आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है यहां पे आपको अपने कस्टमर से मांगना है, यानी सर मैं पैक कर दूं, आपको डिलीवर कब करूं। आपको सेल के बारे में पूछना है। जब आप सेल के बारे में पूछोगे तो अल्टीमेटली उसका डिसीजन आएगा हाँ या ना का। फिर ना आता है तो फिर आप उसके डाउट्स को सॉल्व करो और फिर वापस से आस्क करो। फिर आपका उसका डाउट आता है, फिर उसको सॉल्व करो और फिर वापस से मांगो। यानी ये गुना हमेशा करते हैं। बहुत से लोग शर्माते पैसे मांगने के लिए, मेरा पैसा कैसे मांगो। अरे तुम्हारा पैसा, तुम कोई डकैत नहीं, डाकू नहीं हो, लूट नहीं रहे हो, उसको सर्विस दे रहे हो, उसको प्रोडक्ट दे रहे हो, उसके बदले में उसको कोई ऐसी सर्विस दे रहे हो जिसकी उसको जरूरत है, और उसके बाद में आप पैसा मांग रहे हो। पैसा मांगना कोई गुना नहीं है, आपका अपना पैसा है, आप उससे मांग रहे हो। तो नॉट आस्किंग फॉर द सेल, ये भी सबसे बड़ा गुना है दोस्तों। ये जो सात सीन है ना, ये जो सात गुना है ना, ये हर सेल्समैन करता है, हर बिजनेसमैन करता है, और अल्टीमेटली पछताता है, मेरा धंधा बंद हो गया, मेरा सेल्स नहीं हो रहा है, मैं अमीर नहीं हो रहा हूं, मैं गरीब हो रहा हूं, मेरे प्रॉब्लम्स है। क्योंकि आप ये सात गुना कर रहे हो, आप ये सात मिस्टेक्स कर रहे हो। इसलिए अगर आपको लगता है कि मुझे सेल्स बढ़ानी है, मुझे बिजनेस को आगे लेके जाना है, तो ये सेवन सीन्स जो है, सेवन गुना जो है, इससे बचिए और इसको बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कीजिए। अब जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, आपको एक अच्छी सेल मिलेगी, आपकी इनकम ग्रो होगी और आप अच्छे खासे टैक्स भरोगे, है ना। तो ये मेरी जो ट्रेनिंग है, ये कहीं ना कहीं मेरे देश को कंट्रीब्यूट करती है कि आपकी इनकम बढ़े और आपका इनकम बढ़ने के बाद में आप मेरे देश को अच्छा खासा टैक्स भरो। दोस्तों मेरा नाम इरफान अच्छा दी, हम बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर, सेल्स ट्रेनर, ट्रैश मोटिवेशन स्पीकर और आप लोगों का दोस्त। मेरा काम हो गया, अब आपकी बारी है। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इरफान अच्छा दी के साथ में। दुआओं की दरखास्त। थैंक यू सो मच।